गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं मच्छी हूँ। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भीड़ का खड़ा है इस कलवे पे, देखो। तो आज हम जा रहे हैं, बहुत दूर का सफ़र है हमारा। तो कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बाद बताएंगे। क्या नहीं बोले? दिल्ली। हाँ, बोला दूर का सफ़र ही है ना। मेरे लिए तो दूर का ही है भाई, इसके लिए तो नज़दीक का होगा। इसका मैं नहीं जानती, मैं अपना जानती हूँ। जय हो माँ चंडिका। माँ चंडिका आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हो। ये थे बुआ से, वहाँ से बुआ के घर से मर्च निकाली। बुआ ने अमरूद दिया, वो आगे चले गया है। उसने वहाँ पे शादी का कार्ड देना है ना, तो उसने जल्दी जा रहा है आगे आगे। उसने अपने स्कूल में भी जाना है। बाकी देखो यहाँ तोर की खेती की हुई है। तो ये हमारा इंटर कॉलेज, यहाँ से मैंने 12 पास किया है। ये देखो एक फ्लोर उस साइड है, नीचे की साइड भी है। यहाँ पे पानी की टैंक। तो हमारे खेत यहाँ स्कूल में शादी का कार्ड देने के लिए, बाकी भाई गया कार्ड देने के लिए। पुल पार कर लिया है, अब हम जा रहे हैं यहाँ चढ़ाई पे। चढ़ाई पे हालत डाउन हो गई है, इसे तो लाल मीट भी खाई। इसने लाल मीट खाई आज बुआ के घर पे। किसकी मीट खाई तूने? मुर्गी चिकन खाया, चिकन बकरा खाया बस। तो मुझे नहीं पता इसने क्या खाया। बाकी ये देखो भाई, नदी का जलस्तर आजकल काफी मात्रा में कम हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कलवाई पहुंच चुका है। बीच में खुद के लिए खुद कलवा बोल रहा है, क्या बोलना। ऐसे बहन नहीं है काली, तो भाई भी जैसे होगा काला है ना, गोरा है मेरा भाई। ये जा रहा है शॉपिंग करने, इसकी भी इंगेजमेंट है। आप सब इसकी इंगेजमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम गोलतीर मार्केट में। अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वेट करेंगे। फाइनली दोस्तों हमें आधे घंटे बाद गाड़ी मिल गई है, और बस तो नहीं आई, हम जा रहे हैं मैक्स में। तो चलो चलते हैं आगे खूबसूरत सफ़र में। दिया हमने, बाकी अभी तो बस खाली है, पीछे देख सकते हो आप। तब तक इसमें सवारी होंगे, वेट करेंगे, वरना हम देखते हैं क्या होता है। हमारी बस निकल गई है रुद्रप्रयाग से। अभी ये हमारा टिकट, बहुत दूर कलवा बोल रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कल्यासौर धारी देवी मंदिर में। जय हो धारी देवी, धारी देवी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर मार्केट में। यहाँ से हम आगे उतरेंगे कॉलेज गेट पे। कितना दूर है रूम? आधा। तो हम आगे हैं, ऐसे कि गर्मी से बुरी हाल हो रहे हैं भैया। देखो पानी कितनी दूर है, और ये बोल रहा अभी तो हम आधे भी नहीं आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है अभी चलने के लिए। पहुँच गई थी यहाँ 1:30 बजे। तो हमने ना मतलब खाना खुना खाया, उसके बाद हम आराम कर रहे थे। बाकी हम आ रखे हैं छत पे। ये देखो यहाँ पे कुकू से बात कर रही है।
तो बाकी ना भी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये है कलकल बहती हुई अलकनंदा नदी, जो कि आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से, कितना मस्त व्यू लग रहा है। यहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बाकी ये देखो भाई यहाँ पे, यहाँ इस साइड का कितना मस्त व्यू है ना। यहाँ पे देखो भाई गजब के, वहाँ पे कितनी चिड़िया उड़ रही है। तो हम गए थे आरती में, कहाँ गए थे कमलेश्वर मंदिर में आरती में गए थे, और हम अभी लाए हैं स्प्रिंग रोल और मोमोस। भाई तो चले गया उधर की साइड। इस पे देखो यार मजे ऐसे सो रखी है, घूम के हम आए, ले खा ले तेरे को भूख लगी होगी, मोमोस और स्प्रिंग रोल खाना नहीं है उस छत में घूमने के लिए। बाकी ये देखो भाई यहाँ पूरा अंधेरा है, सुनसान सा यहाँ पे देखो, कितना प्यारा लग रहा है श्रीनगर। पता नहीं उस साइड चौरास पानी क्या गांव है। तो दोस्तों जो खाना हमारा वेस्ट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि सड़क पे जैसे जानवर आते हैं, गौ माता वगैरह गाय वगैरह, उनको खिलाते हैं। तो यहाँ पे पूनम उन्हीं गौ माता को खाना दे रही है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जो वेस्ट खाना है ना, सब एक पतीले में स्टोर करके रखते हैं, बाकी गौ माता को देते हैं खाना। तो गौ माता यहाँ पे खाना खा रही है। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का पुण्य होता है, गौ माता को खाना देना, खाना खिलाना। गौ माता का किसी भी बेजुबान जानवर को, जैसे गौ माता हो गई, जो भी हो गया। चलो चलते हैं आगे ब्लॉग में।